हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बेटा, अज असी बायो का फस्ट चैप्टर जोड़ा है लाइफ प्रोसैस, वो बारे डिस्कस करा कि वो की इंपॉर्टेंट आ और किस तरह क्वेश्चन बन के एग्जाम के फाइनल एग्जाम के आ सकते हैं। ठीक है, और तुसी देखो ये सब तो पहला स्टार्टिंग व्हाट आर द लाइफ प्रोसैसिस की होंगे आ। ठीक है, ये अंडर केड़ियां चीज़ा इंपॉर्टेंट आ, जिदा कि सब तो पहला मेनटेनस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जो साड़ी बॉडी के सैल्स ऑर्गेनाइज होंगे आ। ठीक है, ये सारिया चीज़ें असं पढ़िया हुई पहला, न्यूट्रीशन की होंगी है, एक फूड वो बैलेंस डाइट फूड जी साड़ी बॉडी में जरूरत होंगी है। ठीक है, दैन उस तो बाद रेस्पिरेशन, ये भी साड़ी बॉडी के लाइफ इंपॉर्टेंट होंगी है। ठीक है, और दैन उस तो बाद आजादे को एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स के सैल जोड़े अदला बदली करते हैं, सो ये सारी इंट्रोडक्शन आ, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये साड़ी एक लाइफ प्रोसैस आ, लाइफ के सारिया चीज़ा साड़े बॉडी के प्रोसैस होंदा आ। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। हम देखो न्यूट्रीशन जी, सब तो पहला टॉपिक हैगा तुहाडा न्यूट्रीशन, जिहदे विच असी इहदी डेफिनेशन आ सकदी है वध तो वध 1 मार्क्स की, एक प्रोसैस आ जिते जिहड़ी कि प्रोसैस आ ऑबटेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर मीटिंग वेरियस रिक्वायरमेंट्स, जिहदे खाण नाल साडी बॉडी दीआं बहुत सारीआं रिक्वायरमेंट्स जिहड़ीआं आ उह पूरीआं हुंदीआं आ। अंडरस्टूड आ, सो उहदे विच इंपॉर्टेंस की है न्यूट्रीशन की, एक एनर्जी मिलती है साड़ी बॉडी में। ठीक है, दैन साडा बॉडी का स्ट्रक्चर डिवेलप होंदा आ, दैन साडी बॉडी की ग्रोथ होंदी आ, रिपेयर विच काम आता है, दैन उस तो बाद रेजिस्टेंस विच। ठीक है, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी फॉर्म्ड बाय द रॉ मटीरियल स्कॉट, जो भी असं खाने उन्ना ही साडा जिहड़ा अंदर जिहड़ा साडा बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनता है, जो कि जर्म्स वगैरह नाल लड़न दे विच हेल्प करता है। सो येगा नैक्सट आ टाइप्स ऑफ न्यूट्रीशन के बेटा ऑटोट्रॉफिक तो हेटरोट्रॉफिक, ये जोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन कि जी सैल्फ होंगी है, जोड़े भोजन खुद म बनाए, जिदा एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल बेटा ये प्लांट्स की लै लो। ठीक है, आ देखो विद द हैल्प ऑफ सनलाइट, जो एक लीफ उन्हें शो किया थानू कि विद द हैल्प ऑफ सनलाइट जी कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर ना मिलती है तो की बनाती है ग्लूकोज। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो उ जी कार्बन डाइऑक्साइड वो आँदी कितों आ, देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड असी रिलीज़ करते, एनिमल्स रिलीज़ करते, वो कार्बन डाइऑक्साइड जी प्लांट्स अबजॉर्ब करते हैं, सो यदी रिएक्शन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, सो नैक्सट आ जाता अगे थोड़ा फोटोसिंथेसिस, दस चुका पूरा एग्जाम, बट ये वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का बेटा ये आता कि प्लांट्स के जड़ा फूड जड़ा आ वो स्टोर किया जाता कादे बेस पे किया जाता, वो देखो आ देखो स्टार्च के बेस। ठीक है बेटा, आ स्टार्च आ, सो एक इट फंक्शन एज रिजर्व्स टू यूज एंड वैन रिक्वायर्ड, ये मतलब कि एक स्टार्च की फॉर्म च फूड स्टोर हो जाता तो उसनू जो जरूरत पैन तो जो प्लांट्स आ वह यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, सो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कि फॉर्म च प्लांट के फूड जोड़ा स्टोर होंगे। नैक्सट उस तो बाद आता अगर फोटोसिंथेसिस सब तो कुछ ईवेंट्स है। ठीक है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन कोई बन नहीं सकता। दैन बेसिक रिक्वायरमेंट कि होंगी फोटोसिंथेसिस की, ये क्लोरोफिल आ गया थोड़ा सब तो पहला, द प्लांट प्रोसैस पिगमेंट मॉलिक्यूल अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड, हम कुछ पिगमेंट्स होंगे आ जो क्लोरोफिल जो हैल्प करते हैं प्लान जी सनलाइट को अबजॉर्ब करने। ठीक है, हूँ देखो तीन टाइप्स के पिगमेंट्स होंगे आ, ग्रीन पिगमेंट ग्रीन ओ क्लोरोफिल, ऑरेंज कलर कैरोटीनस होंगे, येलोइश जोड़े होंगे जैंथोफिलिस, ये तुम्हें तीन ही बेटा पता होने चाहिए आ। ठीक है, देखो क्लोरोफिल ऑरेंज कलर का कैरोटीनस, तो येलोइश केड़ा केड़ा आ गया थोड़ा एजेंथोफिलिस। तो क्लोरोफिल एक जड़ा हैगा, क्लोरोफिल ए जड़ा हुंदा है ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ, जड़ा कि कादे विच हेल्प करता है, ये
It take parts in the conversion of light energy into chemical energy. ये द मेन फंक्शन है और वन मार्क्स का तुम क्वेश्चन भी आ सकता है कि यह फंक्शन की है, कन्वर्जन करता है ठीक है लाइट एनर्जी नू कैमिकल एनर्जी के बच्चे। और एज इन द फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कितने पाए जाते इन ग्रीन कलर सैल्स ऑर्गेनेल जिन्होंने असं की बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है पिगमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे ठीक है बेटा क्लोरोप्लास्ट के होंगे तो और क्लोरोप्लास्ट हूँ जो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिते होंगी है वह क्लोरोप्लास्ट है। यह क्वेश्चन पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट है वन मार्क्स का। द मीनस वेयर इज द फोटोसिंथेसिस अकर इन लीव्स वो है क्लोरोप्लास्ट ठीक है। और अगे आ जाता डबल मैंब्रेन होंगी क्लोरोप्लास्ट ये तुम पता ही है ये चीज़ें पहले भी नाइन्थ क्लास के भी पढ़िया हुई हैं ठीक है। सो वही चीज़ें रिपीट है। नैक्सट है इन द अगे थोड़ा लीफ इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस फॉर लास्ट सरफेस एरिया फॉर हार्वेस्टिंग सनलाइट। सो मेन जड़ा होंदा है फोटोसिंथेसिस लीव्स के होंगी है क्योंकि एक सरफेस एरिया उत्थे वध हुंदा है इनक्रीज कर जाता जिहदे करके बहुत सारी सनलाइट वह अबजॉर्ब लीव्स जड़े अपने विच कर लेंदे आ ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंजेस ऑफ गैसिज वगैरह होंदिया अंडरस्टूड। नैक्सट आए दी कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इंपॉर्टेंट होंगी है। हूँ कार्बन डाइऑक्साइड जी अबजॉर्ब करूंगे लीव्स तो ही जी उ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर वाटर ना जाके रिएक्शन होगा ठीक है। पिछे तुम पढ़िया सीगा देखो वाटर ना करता वाटर दैन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन असी जी ऑक्सीजन प्लांट्स ने रिलीज़ करनी है वह साढ़े ह्यूमनस वास्ते एनिमल्स वास्ते साढ़े लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है जी। सो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर तुम जरूर करना है इंपॉर्टेंट है ठीक है। और ये स्टोमेटा पोर प्रेजेंट होंदा जो उन्होंने सराउंड स्टोमेटा सराउंड कौन करता गार्ड सैल्स करते हैं ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है ठीक है। सो द गार्ड सैल्स आर थिकर ऑन द इनर साइड एंड थिनर ऑन द आउटसाइड साइड ठीक है। कि पॉजिटिव आयनस पोटैशियम आयनस जो इनफ्लक्स पॉजिटिव टू स्वेल अप जो जो पोटैशियम आयनस आ वो अंदर मूवमेंट होंगी ये जड़े बेटा पोटैशियम आयनस होंगे आ पोटैशियम आयनस इदा मूव करूंगे अंदर में और ये जो पोटैशियम आयनस अंदर मूव करते के पॉजिटिव आयनस तो दैन इस जी बाली सराउंड मटीरियल होंगे सराउंड लेयर होंगी इन्हें की कर देना इन्हें स्वेलअप कर देना और स्वेलअप करके जोड़ा ये जोड़ा पोर आ वो ओपन हो जाता और जो ये जोड़ा पोटैशियम आयनस मूव आउटसाइड बाहर मूव कर जाते हैं तो उदो स्टोमेटा की हो जाता क्लोज। इस करके असी ये तुम्हें सुनिया ना ओपन स्टोमेटा तो क्लोज स्टोमेटा हूँ तुम्हें पता लग गया होना कि पोटैशियम आयनस जो इनसाइड मूव करते तो आउटसाइड मूव करते जिस करके जी स्टोमेटा जोड़ा ओपन तो क्लोज होंगे ठीक है। यदा स्ट्रक्चर तुम कर लेना। नैक्सट आ जाता अगे बेटा थोड़ा लाइट जड़ी हैगी है लाइट तुम्हें पता ही है वेरी इंपॉर्टेंट आ जिद कि फोटोसिंथेसिस प्रोसैस हों मैकेनिज़म ऑफ फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन जी बहुत इंपॉर्टेंट आ ये करनी है अबल रिएक्शन जिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे है ठीक है। सनलाइट की प्रजेंस के बनता है ग्लूकोज एक ग्लूकोज बन गया एक वाटर बन गया तो ऑक्सीजन जी की रिलीज़ हो जाती है जिन्होंने असं यूज़ करते हैं ठीक है। सो इस बेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है वन मार्क्स का। नैक्सट आ जाता मैकेनिज़म वैसे एक क्वेश्चन बनता है थ्री मार्क्स का है ये बेटा थ्री मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा एक्सप्लेन द मैकेनिज़म फोटोसिंथेसिस ठीक है। सो जे इदा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें यह सारा एक्सप्लेन करना पैना जिदे विच दो स्टैप्स आते हैं एक फोटोकैमिकल एंड द बायोकैमिकल। फोटोकैमिकल फेज़ में असी लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं
ठीक है। सो ये पानी की ब्रेकेज होंगी है, फोटोलाइजिस ऑफ वाटर हों, ठीक है। और दूजा जो बायोसिंथेटिक फेस हों, जिन्हों असी डार्क एंड ब्लैक स्पेस रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये लाइट विच भी होंगे एज वेल एज डार्क रिएक्शन के विच भी होंगे, ठीक है। और दैन उस तो बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस होंगी है फूड की, सब तो मेन इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है। फूड इज़ नॉट ओनली यूज्ड बाय प्लांट्स देमसेल्व्स बट आल्सो अदर लिविंग बींग्स डिपेंडेंट अपॉन दिस फूड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, कैमिकल एनर्जी जी होती है, ठीक है। सन जी कि कन्वर्ट होती कैमिकल एनर्जी, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट सा 1-2 मार्क्स भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। नैक्सट आता हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज ऑब्टेन रेडीमेड, जिद राही जोड़े असी रेडीमेड फूड जो एनिमल्स लेंदे आ, ठीक है, ऑब्टेन होंगे आ उसू आउटसाइड सोर्सिस तो उन्होंने हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम डेट डिपेंड अपॉन आउटसाइड सोर्स, ठीक है। सो आ डिफरेंस जो दोनों तुम कर लेना, ठीक है। उस तो बाद आता टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक दे विच दे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मोड ऑफ ऑबटेनिंग द सेम बाय हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक 3 टाइप्स की होती है, सेपरोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ठीक है। सेपरोट्रॉफिक ये तिने तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इदा आ सकता विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरोट्रॉफिक, शो सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेपरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अकर, इन कि होंगी। सो ऑप्शन दिते होने, ठीक है, जिदा ब्रैड मशरूम्स, मॉरल्स, ब्रैड मोल्स, उन्होंने यीस्ट उन्हें तुम दसना, ठीक है ना। इन्होंने कि होंगी है तो तुम एक का भी हो एक आंसर होएगा। सो इदा ही पैरासिटिक न्यूट्रिशन जी वो भी इदी करनी है, इट इज़ अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये भी, ठीक है, जिद लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड लेंदे आ लिविंग अनदर स्पीशीज तो, ठीक है। और पैरासाइट ये एग्जाम्पल तुम ले लो जिदा कि लाइस वगैरह होंगी है, ठीक है। फिर होर इदा के कुछ होंगे जोड़े कि हम लाइस जी होगी एक जोक होंगी जो तुम पंजाबी बोलते हो, वो कि ह्यूमन बींग्स का जो ब्लड है उन्होंने सक कर जाती है, देखो लीच उन्होंने लीच बोलते हैं, ठीक है, इंटीरियर सकर। सो ये अपने जोड़ा की है ये जिते रह रहे वो उदा होस्ट होगा, जिदा देखो आ पैरासाइट इतने लै रहे आ होस्ट वो जगह जिदे इन्हें अपने आप को क्लाइम किया हो, ठीक है। सो पैरासाइट नू एक जगह चाहिए होंगी है रहन, तो वो उस तो उसकी जगह भी लैंदा है तो उस तो अपना फूड वगैरह भी लैंदा है। तो जेडे पैरासाइट्स होंगे आ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा बनता, ठीक है। उस पैरासाइट्स नू की बोलते हैं या कि डिजीज़ कॉज करते हैं उन्होंने असी पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के टाइप होंगे एक्टो ते एक एंडो पैरासाइट्स, ठीक है, जोड़े कि हूँ एक्टो जी बाहरली बॉडी सर्फेस से रेंदे, एंडो जी इंटरनल बॉडी सर्फेस से, ठीक है। हूँ इंटरनल की जिदा प्लाजमोडियम हो गया, ट्राइमोसोमा हो गया, लशमैनिया हो गया, यह सारिया चीज़ा साढ़े ये एंडो पैरासाइट्स है, क्योंकि इंटरनल ही सानू कॉज करते हैं, अंडरस्टूड। सो ये तुम एग्जाम्पल्स यदि पता होनी चाहिए, 1 मार्क्स कोई भी आ सकती है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जी होंगी है ये भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होंगी है, ठीक है, विच इनवॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड पीस ऑफ फूड, सिंस सॉलिड फूड इज टेकन इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इनजेस्टिव न्यूट्रिशन, ये कोई भी फूड मटीरियल इनजेस्ट करते हैं, ठीक है। और होलोजोइक ऑर्गेनिज्म 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के आते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये तुम पहले ही पढ़िया होना। हर्बीवोरस वो होंगे जेडे कि प्लांट्स से फीड वगैरह करते हैं, ठीक है,
ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੀਡ ਕਰਦਾ, ਕਾਓ, ਬਫੈਲੋ, ਡੀਅਰ, ਗੋਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 marks ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਫੀਡ ਔਨ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਲਾਇਨ, ਟਾਈਗਰ, ਲੈਪਰਡ, ਸਨੇਕ, ਹੌਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਓਮਨੀਵੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੇਜ, ਐਂਟ, ਪਿਗ, ਕਰੋ, ਰੈਟ, ਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 types ਆ ਗਈਆਂ, ਸੈਪਰੋਫਿਟਿਕ, ਪੈਰਾਸੀਟਿਕ ਐਂਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਹ ਨਾ ਬੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 5 steps ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਵੈਕ, ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਵੈਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਲਾਈਜੋਜੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਡੋਪੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਫੂਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬਾਏ ਸੈੱਲ ਔਰ ਦਾ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਫਾਈਗੋਸੈਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫੂਡ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਾਜਸਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਇਨ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਂਡ ਥਰੋਇੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫੀਕਲ ਮੈਟਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ 1 marks 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਥ, ਬੱਕਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਊਥ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਕਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਓਸੋਫੇਗਸ, ਸਟਮਕ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਐਂਡ ਦਾ ਐਨਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਊਥ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬੱਕਲ, ਟੰਗ, ਟੀਥ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਟੀਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ, ਇਨਸੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 marks ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਜੌ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥੱਲੇ 4 ਉੱਪਰ, ਕੈਨਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨਾਈਨਸ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਰਿੰਗ, ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੌ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੀ ਮੋਲਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ, ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ ਵਾਲੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜੌ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਲਾਈਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਇੰਜਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸਲਾਈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਮਾਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਲਟੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੱਖੋ।
बहुत सारे बच्चों ने इस बार आंसर लिखा ही माइलेज। बेटा कल्ला माइलेज नहीं लिखना, एक पैनक्रेटिक माइलेज जहाँ कहें जहाँ असं सलाइवरी माइलेज कहने, ठीक है ना, ये गल का ध्यान रखना। तो वैसे सलाइवा का कोई फंक्शन आ जो तुम लिख सकते हैं, टीथ नू क्लीन करते हैं, ठीक है। और नैक्सट वाला डेंटल केरीज आ जाता, वन मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पाया सीगा, केड़ा बैक्टीरिया आ जिहड़ा कि साढ़े दंदा नू कॉज करता है, उन्होंने स्टैप्टोकोकस म्यूटम्स बोलते हैं असी, ठीक है। और वो की करता बहुत जल्दी एक स्टैप्टोकोकस म्यूटम्स का फाइंड फंक्शन देख लेना तुम, आ देखो मल्टीप्लाइज रैपिड एंड फॉर्म ए सॉफ्ट थिंग येलो लेयर ऑफ द फूड डेबरीज जिन्होंने बोलते हैं, येलो कलर के साडे दंद हो जाते हैं, डेंटल प्लेक भी बोलते हैं, ठीक है। सो आ कहना एक सलाइवा जिहड़ा हुंदा साडा थुक हुंदा और साडी एसिड साडा न्यूट्रलाइज करदा, एसिड एंड किल्स द बैक्टीरिया अनएबल टू प्रोटेक्ट द टीथ बिकॉज ऑफ द प्लेक। सो होर ये आ देखो आ सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, तुहानू डाइजेस्टिव सिस्टम की जिहड़ी डायग्राम है वो पता होनी चाहिए है। सब तो पहला माउथ आ, दैन टंग, ओसोफेगस आ वाली, ठीक है। हुण एक क्वेश्चन मैं पुट किया है तुहानू बेटा, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस क्यों होता, हुण इत्थे फूड मटीरियल प्रेजेंट आ, हाँ देखो देखो आ इत्थे फूड मटीरियल खाधा सी, तुहाडे कोल फूड मटीरियल आ, खाता ये फूड मटीरियल इत्थे पहुँच गया और जिदा जिदा मूव करेगा ये जिहड़े मसल्स होंगे ओसोफेगस के वो रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तो इन्हें हौली हौली अगे जर्क करते करते अगे आना, ठीक है। जिदा इतों जिदा तुम नहीं देखते होंगे अर्थफॉर्म जिदा मूव करता है बरसातों में निकलते, वह किदा मूव करते, पहले उन्हें अगला हिस्सा मूव करना, फिर उन्हें पिछला करना, फिर अगला, फिर पिछला, अंडरस्टूड। सो इस तरह होंगे, सो ये तुम्हें सारे पता होना चाहिए। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर की करता स्टोर, यदा फंक्शन कले कले का बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आ, की स्टोर करता, बाइल करता। ड्यूडेनम के पार्ट आ, ये सानू पूछ सकते, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ, वन मार्क्स क्वेश्चन आ सकता। फिर स्टमक आ जाता, बाइल डक्ट आ जाता, ठीक है, आ देखो। फिर उस पैनक्रियास, इन्हें भी पूछा सी, पैनक्रियास दो हारमोन सीक्रीट करता, एक इंसुलिन, ठीक है, एक हो जाता ग्लूकागोन, ये तुम्हें दोनों के फंक्शन पता होने चाहिए, अंडरस्टूड। फिर उस तो बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ला कलोन के पार्ट आ, लार्ज इंटेस्टाइन का, ये भी तुम्हें बेटा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है सारिया चीज़ा, ठीक है। सो मैं बार बार कह रहा, ड्यूडेनम जिहड़ा है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आ कलोन, बट इन दोनों स्मॉल तो लार्ज बिचों लोंग कि होंगी है, ज़्यादा लंबी कि होंगी है, ठीक है, वह स्मॉल होंगी। ये गल बहुत सारे ने असं गलत कर आने कई बार। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एक लोंग ज़्यादा होंगी है, बट इन वैसे यदा नाम स्मॉल आ, और ये ही स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक विलाई प्रेजेंट होंगी है, विलाई जिहड़ा कि साढ़े फूड नू अब्जॉर्व करने दे विच हेल्प करती है, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच प्रेजेंट होंगी है, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस एरिया का इनक्रीज कर देता तो हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन दे विच, अंडरस्टूड। नैक्सट आ जाता अगे तुहाडा बेटा यही फेरेनैक्स आ गया, ठीक है, आ तुसी आ जरूर करना, और वन मार्क्स की डेफिनेशन आ दे, द एक्ट ऑफ पुशिंग इनटू पुशिंग फूड इनटू ओसोफेगस इज कॉल्ड अ स्वेलिंग या डीग्लूटेशन। हूँ देखो बेटा ये तुहानू सारयां नू पता कि स्वेलिंग की होंदा, ठीक है, जो असी फूड नू छुपाने तो उन्हूं असी अगे साडी फूड अगे पहुँचता ओसोफेगस को, तो तुहानू सारयां नू पता है, बट उन्हें बेटा एग्जामिनर ने क्वेश्चन की पुट करना, उन्हें तुम्हें स्वेलिंग नहीं पूछना, उन्हें तुम्हें पूछना डीग्लूटेशन की बोलता, उन्हें क्वेश्चन घुमा के पूछना तुम्हें, सो तुम्हें डीग्लूटेशन जो पता होना चाहिए, ठीक है। ओसोफेगस की जी पाइप है 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, आ देखो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आ गई,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਆਫ ਸੋ ਦਾ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸਟਮਕ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇਵ ਆਲ ਟ੍ਰੇਂਜ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਾਲ ਬੈਨਸਟਾਲਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫੂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਮਕ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਰੀਸਟਾਲਸਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੈਰੀਸਟਾਲਸਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਰੀਸਟਾਲਸਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਰੋਮ ਮਾਊਥ ਟੂ ਦਾ ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਾਏ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਸਲਸ ਆਫ ਦਾ ਓਸੋਫੇਗਸ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਓਸੋਫੇਗਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸੋਰੀ ਸਟਮਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਟਮਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ। ਆਹ ਜੀ ਏ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਿੱਕ ਵਾਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਗਲੈਂਡਸ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਸਕ੍ਰੀਟ ਵਾਲ ਔਸਟੋਮ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਐਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਪੇਜ, ਮਿਊਕਸ, ਪੈਪਸਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੋਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕਸ ਦਾ ਫੂਡ ਐਸਿਡਿਕ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪੈਪਸਿਨ। ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਟੋਪਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਔਫ ਸਲਾਈਵਰੀ ਐਮਾਈਲੇਸ, ਜਰਮਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ। ਇਹ ਐਸ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਸ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਪਸਿਨੋਜੇਨ ਨੂੰ ਕਿਚ ਕਨਵਰਟ ਪੈਪਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਰੈਨਿਨ ਨੂੰ ਰੈਨਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੈਪਸਿਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇੰਜਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਦਾ, ਇਸ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਲਵ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਓਸਿਸ ਪੈਪਟੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੈਪਸਿਨ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪਸਿਨ। ਸੋ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮਿਊਕਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਦਾ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਮਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਐਸੀ ਐਲ। ਇੱਕ ਮਿਊਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਮਕ ਦੇ ਇਨਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਐਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਪੈਪਸਿਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਸਟਮਕ ਦੇ ਜੋ ਫੂਡ 1 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਫੂਡ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, 1 ਤੋਂ 6 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ, ਲੀਵਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਸੋਰੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੀਵਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਮਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਸੋਫਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਲਾਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡਿਊਡੇਨਮ, ਜੇਜਨਮ ਐਂਡ ਦਾ ਏਰੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨੇ ਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲੀਵਰ ਬਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਡਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੈਪੈਟੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਡਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਹੈਪੈਟੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਡਕਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਇਲ ਨੂੰ ਪੋਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ, ਫਰੋਮ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਗਾਲ ਬੈਡਰ ਐਂਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਇੰਟੂ ਦਾ ਡਿਊਡੇਨਮ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਡਿਊਡੇਨਮ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਆਇਆ 1 marks ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਇਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ, ਲੀਵਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਪੈਟੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਟ੍ਰੈਕਟ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਏ ਚੀਜ਼। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈਪੈਟਿਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਐਕਟ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੇਟਾ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਜੂਸ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਪੈਟੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਏਟਿਕ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਚ ਬਾ ਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਡਿਊਡਨਮ। ਉਹ ਡਿਊਡਨਮ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਚਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਯੈਲੋ ਸਕਰੀਨ ਅਲਕਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 1 marks ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲੀ ਵਰਡਨ, ਯੈਲੋਸ਼ ਬਿਲੀ ਬਿਲੀ ਰੋਬਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਗਲਾਈਕੋਲੇਟ, ਸੋਡੀਅਮ ਟੋਰੋਕੋਲੇਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਫੈਟ ਇੰਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨ ਗਲੋਬਲਸ ਨੂੰ ਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਲਰ ਟੂ ਅਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਪ ਸਾਬਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਇਲ ਸਾਲਟਸ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਇਲ ਸਾਲਟਸ ਦਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਰਜ ਗਲੋਬਲਸ ਆਫ ਫੈਟ ਇੰਟੂ ਦਾ ਫਾਈਨ ਗਲੋਬਲਸ ਫਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਪੇਸ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਟ ਮੋਲੀਕੁਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ 'ਤੇ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਜਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਟਰਾਈਡੀ ਅਲਕਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੂਸ ਕੰਟੇਨ 3 main enzymes ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੱਕੇ ਆਊਗਾ, 3 main enzymes ਆ, ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਅਮਾਈਲੇਸ ਅਤੇ ਲਾਈਪੇਸ। ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਲਾਈਟਿੰਗ ਜੈਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲਕਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨੋਜਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪੈਪਟੋਨਸ ਪੈਪਟਾਈਡ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਲਾਈਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਫਾਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਫੈਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਫੈਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੌਣ ਆ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਲਾਈਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਮਾਈਲੇਜ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਲੋਪੈਪਸਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟਾਰਚ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿੰਗ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੂਗਰ, ਲੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਲੀਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਕੀ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਇਲ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ 2-3 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ ਆ ਸਪਤੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਥੋਜਨ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟੂ ਫਾਈਗੋਸਾਈਟਿਕ ਸੈਲਸ, ਕਫਰ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੀਵਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਥੋਜਨਸ ਐਂਡ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਥਰੂ ਦਾ ਫਾਈਗੋਸੈਟਿਕ ਸੈਲਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਫਰ ਸੈਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਊਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਨੇਮ ਦਾ ਲਾਰਜ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗਲੈਂਡ, ਫਸਟ ਲਾਰਜੈਸਟ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲਿਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਹੈਟਰੋਕਲਾਈਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज हिटरोक्राइन इन नेचर, थले ऑप्शन दे देने पैनक्रियाज लीवर गाल ब्लैडर, तुसी उहदा राइट आंसर दसना ठीक है। सो इदा क्वेश्चन है बना के घुमा फिरा के आ सकता। दो तरह के हारमोन मैं पहले ही दस चुका, ये सक्रीट करती है पैनक्रियाज, एक करती है इंसुलिन, एक करती है ग्लूकागोन। इंसुलिन जिहड़ा उहदा मेन फंक्शन ग्लूकोज दे सैल्स नू यूटिलाइज करता, ग्लूकोज नू यूटिलाइज करता जिहड़े सैल्स होंदे आ ते उह कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन फॉर द स्टोरेज। ग्लूकागोन वह ग्लाइकोजन नू ग्लूकोज दे विच करता है, मतलब उहदा रिवर्स हो जाता है। अंडरस्टूड? सो आ दोनों डिफरेंस पढ़ लेने ठीक है। अगे आ रिप्सिन नेमाटाइड्स, ये सारिया चीज़ा तुम्हें पता होना चाहिए। विलाई, विलाई का स्ट्रक्चर आ जाता होंगे बेटा कभी, ये ब्लड के लैक्टियल एपीथीलियम आर्टरी लिम्फेसल वेन ठीक है, सारिया चीज़ा प्रेजेंट होंगे ठीक है जी। सो ये बारे तुम्हें पता होना चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन मैं दस चुका हाँ तुम, तीन पार्ट आ गए लार्ज इंटेस्टाइन के ठीक है, असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन ठीक है। सो ये थोड़ा हो जाना सीकम कोलन एंड रेक्टम, तीन पार्ट। हाँ सीकम आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, सीकम कोलन एंड रेक्टम ठीक है। सीकम हूँ, सीकम का आ इस तो स्टार्टिंग पॉइंट सीकम तो होती है। कोलोन तीन तरह की असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग ठीक है, ये चीज़ दस रहा। तो लार्ज इंटेस्टाइन की सब तो जी लोंगेस्ट पार्ट के वो कोलोन आ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलोन इज़ द लोंगेस्ट पार्ट ऑफ द ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट आ। सो बेटा मैंने इस एक एक पार्ट चो काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन थोड़े निकलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ ठीक है। सो आज लिए इन्ना ही बहुत आ, इन्ना मैं थोड़े वास्ते ये किया है तैयार। सो तुसी इनू प्लीज़ देखो इस वीडियो नू पूरे। सो जो भी आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन थानू क्लीयर हो जाने थोड़े फाइनल टेंथ एग्जाम वास्ते भी ठीक है, और तुहाडे सितंबर एग्जाम्स ते तुहानू, क्योंकि बेटा देखो सितंबर एग्जाम्स के जिहड़ा पेपर तुहाडा आना है ठीक है, मैं तुहानू दस दिना। सितंबर एग्जाम्स के बेटा पेपर जिहड़ा आना है तुहानू वो आना है, तीन पार्ट होने हैं थोड़े साइंस के, फिजिक्स कैमिस्ट्री एंड बायो ठीक है। और फिजिक्स कैमिस्ट्री बायो दे हूँ पेपर तो सारा पाना 20 to 30 मार्क्स का पेपर होना, तुम आप हिसाब लाओ ये सिर्फ 7 आने, 7 to 8 जोड़े थोड़े वो होने एम सी क्यूज़ हूँ, वो एम सी क्यू 7 to 8 एम सी क्यूज़ लभ के पावे, पूरा कवर तो नहीं होंगे सिलेबस ठीक है ना, हूँ सारे इस चैप्टर में भी नहीं आने लगे, ये भी तुम्हें पता ही है, बस तो 2-3 आने इस चैप्टर चो, 2-3 अगले चो पा देंगे। सो ये जस्ट वैसे तुम्हें मैं एक गाइडेंस दी है बेटा कि तुम्हारा जो फाइनल एग्जाम है ना, फाइनल जो एग्जाम होना, फाइनल एग्जाम के नैक्सट ईयर मार्च में होना ठीक है, उहदे विच तुहाडा जिहड़ा 26 मार्क्स का बायो, 26 मार्क्स की फिजिक्स, 26 मार्क्स की कैमिस्ट्री होनी ठीक है। अंडरस्टूड? सो इस करके जे ये जिन्हें भी तुहानू क्वेश्चन दसते ना बेटा फाइनल एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कली कली चीज़ मैं तुहानू दस दिता, ये कली कली चीज़ नोट कर लियो। और हमेशा बायो का पेपर बहुत ईजी, बायो वाला पार्ट होना ना जिहड़ा साइंस का तुहाडा सब तो ईजी पार्ट होना, सब तो ईजी पार्ट होना बायो का ठीक है, ये तो मैं गारंटी ना कहना। सो जे तुसी मीनस चंगी तरह क्वेश्चंस नू लिख लो कॉपी ते, और डायग्राम जिहड़ियां नाल लो, जिदा मैं तो कहना होना आह वाली डायग्राम इंपोर्टेंट आ, आह वाली इंपोर्टेंट जिन्हें भी दसी वो नाल, क्योंकि देखो और सब तो ईजी क्वेश्चन होना पेपर आता होंगे, पेपर च कभी भी बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता कभी भी,
5 मार्क्स का नहीं आना, क्वेश्चन डिवाइड हो गए हमेशा आते हैं, ठीक है। वो किस तरह देखो किस तरह होगा, 1 मार्क्स का तुम्हें पता ही आना ही आना, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का इदा क्वेश्चन आता, जहाँ 3+2 आ जाता होंगे वो पाए, मतलब 5 मार्क्स का कभी भी टोटल क्वेश्चन नहीं आता होंगे, टुटमा क्वेश्चन। फिर कई बार की होंगे बेटा, हूँ जिदा डायग्राम आ गई है, आही डायग्राम जी लार्ज इंटेस्टाइन की डायग्राम आ गई, ठीक है। उन्होंने कहना पूरी डायग्राम पा देनी है, तो उन्हें कहना कि जोड़ा आह देखो इस तुम्हें तो 3-5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाना, उन्हें कहना कि यदा पहले पार्ट का की नाम आ, इनू 1 मार्क्स नंबर दे देना, फिर उन्होंने कहना दूजे नंबर का की नाम आ, इन 2 नंबर दे देते, उन्होंने कहना आ तीजे थर्ड वाली साइड में की कहें, इनू डिसेंडिंग कलोन बोलते, उन्हें कहना चौथा जोड़ा पार्ट आ यदा की नाम आ, ये चार ही तुम आने 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। सो प्लीज़ एक बार तुम फॉलो करो जिन चीज़ा कह रही हैं तुम्हें, मैं मीनस पेपर थोड़ा बहुत ईजी आऊगा, ठीक है। ईजी तो ईजी क्वेश्चन जोड़े वह पूछे जाऊंगे। सो नैक्सट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिन्हें तुम जो कंसैप्ट है थोड़े क्लीयर हो जाएंगे। ओके बेटा, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।